शिमारू मूवीज से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। बोलो ना। अरे भाई जल्दी करो, ड्रामा शुरू होने वाला है। निगाह रूबरू होशियार, निगाह रूबरू होशियार, निगाह रूबरू होशियार, शहंशाह सलामत कदम रंजा फरमाते हैं। हम अदालत पे हैं, राजकुमारों का मुकदमा पेश किया जाए। राजकुमारी मीरा और राजकुमार रतन तशरीफ लाए। राजकुमारी मीरा और राजकुमार रतन तशरीफ लाए। मुकदमा बयान कीजिए वजीर आला। आलीजा, राजकुमारी मीरा और राजकुमार रतन बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी के ख्वाहिशमंद हैं। तो इसमें किसी को क्या इतराज है? कानून का इतराज है आलीजा। राजकुमारी मीरा की पिता की वसीयत के मुताबिक राजकुमारी की शादी राजकुमार रतन के बड़े भाई राजकुमार चमन से होनी चाहिए। राजकुमार रतन और राजकुमार चमन दोनों जुड़वा भाई है। अगर वो जुड़वा भाई है तो छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं? राजकुमार चमन 15 मिनट पहले पैदा हुए, इसलिए कानून की नजरों में बड़े भाई वही है। राजकुमार चमन हाजिर किए जाएं। राजकुमार चमन हाजिर हो। वाकई कुदरत का कमाल, दोनों की शक्लें इतनी मिलती हैं कि इनमें तमीज करना मुश्किल। तुम्हारा क्या ख्याल है वजीर आला? ऐसा ही है आलीजा। राजकुमार रतन का ये पैदाइशी निशान ही सिर्फ इनकी पहचान। राजकुमारी मीरा, आलीजा, जब दोनों भाइयों की एक ही शक है
फिर तुम्हें बड़े भाई से शादी करने में क्या इतराज है? गुस्ताखी माफ वालिजा, मोहब्बत शक्ल से नहीं दिल से की जाती है। मोहब्बत दिल से की जाती है, सूरत से नहीं होती। वफा हरगिज कभी मिट्टी की मूरत से नहीं होती। जब इनकी शक्ल में तमीज करना मुश्किल है तो दिल की पहचान कैसे हो सकती है? आलीजा, इंसान की आंख धोखा खा सकती है, दिल धोखा नहीं खा सकता। हमारी आंख खा सकती है धोखा, दिल नहीं खाता। अंधेरा हो तो क्या अंधे को रास्ता मिल नहीं जाता? बहुत खूब राजकुमारी, हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारे जज्बात की कद्र है, मगर अफसोस हमारे हाथ कानून की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। इसलिए हम ये फैसला देने पर मजबूर हैं कि तुम्हारी शादी राजकुमार रतन से नहीं हो सकती। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ आलिया। हम कानून के हाथों मजबूर हैं राजकुमारी। रतन, मीरा। ये कैसा शोर है? एक सवार सर पर चला आ रहा है आलिया। राजकुमारी मीरा की शादी राजकुमार चमन से नहीं हो सकती। पूछो क्यों? मगर तुम कौन हो हमारे इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाने वाले? गुस्ताखी माफ कीजिएगा, बंदा ने आपके इंसाफ के खिलाफ नहीं बल्कि हक में आवाज उठाई है। क्या तुम नहीं जानते कि राजकुमार चमन 15 मिनट पहले पैदा हुए? इसीलिए तो वो छोटे हैं आलिजा, गुलाम को ये साबित करने का मौका दिया जाए। इजाजत है। और अगर ये साबित ना हो सका तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है। देखिए आलिजा, ये शीशे की नली है और ये दो गोलियां, एक सफेद गोली और एक काली। ये रही सफेद गोली और ये रही काली गोली। अब देखिए बाहर कौन सी गोली पहले आई। जाहिर है जो बाद में डाली गई थी, यानी काली गोली। इसी तरह राजकुमार चमन जो 15 मिनट पहले पैदा हुए, असल में 15 मिनट छोटे हैं। पूछो क्यों? शाबाश अजनबी, तुमने वाक्यात को नई रोशनी में पेश करके हमें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। राजकुमारी मीरा की शादी राजकुमार रतन से ही होनी चाहिए। रतन, मीरा। पूछो क्यों? अरे चमन, रतन कहाँ है? मीरा के साथ खेला है। मीरा के साथ तो शैतान दुनिया भी भूल जाता है। अच्छा तुम बैठो, मैं उसे लेकर आता हूं। मैंने कहा जी खाना खा लीजिए। खाना तो खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठहरो, अखबार तो पढ़ लूं। हाय हाय, आग लगे इस अखबार को। ये तो मेरी साथ है साथ, जब देखो अखबार जब देखो अखबार। अच्छा बाबा, नहीं पढ़ता, ये लो तुम भी दिखाओ। पहले पति पीछे पत्नी। अरे जमाना बदल गया है रतन की माँ, आजकल मियाँ बीवी इकट्ठा खाते हैं। लो खाओ, तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आता खाने में। अरे शैतानो, हमारी नकल उतारते हो हैं? मेले नहीं चलोगे? मेले जरूर पिताजी, जरूर चलूंगा, जरूर चलूंगा। अरे बेटा तो चलो ना, चमन कब से मोटर में बैठा इंतजार कर रहा है। मीरा भी जाएगी पिताजी? हाँ बेटा, मीरा भी जाएगी, मगर अपने बाबा से तो पूछ ले, वरना अंधा बेचारा ढूंढता फिरेगा। जाओ बेटा जल्दी वापस आना। अभी आई। क्या बात है बेटी, बड़ी खुशी से दौड़ी चली आ रही हो। रतन के साथ मेला देखने जाऊं बाबा? नहीं बेटी, आज हवा बहुत तेज है, तेरे अंधे बाबा की अकल कहती है आज जरूर तूफान आएगा। नहीं बाबा, मैं तो जरूर जाऊंगी, रतन भी तो साथ है। अच्छा बेटी जाओ। देखो तेरे बाल और कपड़े तो ठीक है ना? चांसा मुकड़ा है मेरी बेटी का। मगर तुम तो अंधा हूं ना? ये मेरी समझ में भी नहीं आता बेटी, अंधा हूँ फिर भी तुझे देख पाता हूँ। वो मुझे बुला रहे हैं। अच्छा बेटी जाओ जाओ।
संभल के मीरा बेटी। दीवान साहब, मेला देखा जा रहा है। अरे भाई, बच्चों को दिखाने ले आया हूँ, हमारे मेले तो अब खात्मे पर हैं। रतन, दूर मत जाना बेटा। एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। तूने कह दी मैंने कह दी, दुनिया एक कहानी। इस दुनिया के मेले में कोई राजा है कोई रानी। एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। इस मेले में हार जीत है और मेले का मेल। इस मेले में उड़न खटोले, हाथी घोड़े रे, कहीं हिंडोले कहीं तमाशे, तरह तरह के खेल। इस मेले में पाना खोना, जीवन बहता पानी रे भैया, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। हरियल ले लो, परियल ले लो चंदा तारा, आओ चुन्नू आओ मुन्नू, आओ चुन्नू आओ मुन्नू, ले लो नया गुब्बारा। मुनिया रानी हमें बता दो क्या है नाम तुम्हारा। कस कर डोर पकड़ना बिटिया, मत करना नादानी, इस धागे में बंधी रहेगी तेरी प्रीत पुरानी रे भैया, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। कल कहां हमें ले जाएगी तकदीर, कौन कहे किसकी आंखों में कब भर आए नींद। एक बार जो खींची प्रीत की मिटती नहीं लगी, एक बार जो खींची प्रीत की मिटती नहीं लगी। माया आनी जानी रे भैया, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। Thank you.
रतन। कहां से बोल रहे हैं आप? पुलिस चौकी से? रतन का कुछ पता नहीं चला? अरे बेटी तू कहां थी? देख तो चमन कब से तेरे साथ खेलने के लिए बैठा है। मैं नहीं खेलूंगी बाबा। पिताजी कहते थे अब रतन कभी नहीं आएगा। वो जरूर आएगा, उसने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वो आएगा ना बाबा? हाँ बेटी वो जरूर आएगा, मगर अभी तुम जाकर चमन के साथ खेलो। नहीं बाबा, मेरा जी अब किसी के साथ खेलने को नहीं चाहता। सितारे
के राजा जवानी आ गई है अब तो आजा मीरा। बाबा सुना है बेटी चमन के थिएटर में आज बहुत अच्छा ड्रामा हो रहा है। होगा बाबा मगर तुम तो देख नहीं सकते। मेरी ये आंखें तो देख नहीं सकती बेटी मगर ये तो देख सकती हैं। मुझे चमन और उसके थिएटर से कोई लगाव नहीं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ। बेटी बेटी दुनिया में रहने के लिए एक सबक सीखना होगा। जिंदगी वो है जो आज है वो नहीं जो कल हो चुकी। उसकी याद के सपनों की दुनिया झूठी है। रतन को खोए हुए आज कई बरस बीत चुके उसके गम में उसका बाप भी चल बसा। रतन के जिंदा होने का अब कोई सबूत नहीं रहा बेटी। खोई हुई चीज की याद को दिल में बसाए रखना जिंदगी से बेइंसाफी है। मगर बाबा तुम ही ने तो कहा था कि रतन लौट आएगा। तुम ही ने तो उसकी याद का बीज मेरे दिल में बोया था। अब ये पौधा मेरे साथ जवान हो गया है तो कहते हो काट डालूं। मैंने तो याद के खिलौने से तुम्हारे बचपन को बहलाना चाहा था बेटी। अब इस खिलौने में जान पड़ गई है तो चाहते हो मैं इसे तोड़ डालूं। ये मुझसे ना होगा बाबा। जिंदगी के सफर में एक लाठी के टूट जाने पर दूसरी का सहारा लेना ही पड़ता है बेटी। सुनता हूँ चमन रतन की जिंदा तस्वीर है। तस्वीर को देखकर ही तो असल को भूल नहीं पाती। तुम्हारी खुशी बेटा वरना चमन भी तो कोई बुरा लड़का नहीं है। ये क्या बाटियां तो रखी ये यहां रखी जाती हटा सामने से गधा सबके सब यहां गधे। हेलो हाँ मैं दीवान चमन बोल रहा हूँ। ओह शेयर मार्केट क्या भाव खुला चांदी का 78 खरीद लो 500 पेटी। हाँ हाँ 500 पेटी खरीद लो। हेलो कौन ए गुलाम रकासा। हाँ हाँ रसीली भाई कहिए आज शमा को परवाने की याद क्यों कर आई। परवाना ना होता तो शमा को कौन पूछता हजूर। ओहो आज तो बड़े मूड में हो ये कौन से ड्रामे के डायलॉग हैं। वही जो आप हमारे दिल से खेला करते हैं। बहुत खूब तुम्हारी हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं आखिर हमारे थिएटर की हीरोइन हो ना। आपकी ये जरा नवाजी का शुक्रिया। बंदी आज एक नया डांस पेश कर रही हूँ तशरीफ लाइएगा ना। अजी आप बुलाएं और हम ना आए। अजी कच्चे धागे से खींची आएंगी सरकार मेरी। पूछो क्यों हा? शैतान चटपट का सिवा और कौन हो सकता है। क्या फरमाती हैं रसीली भाई। कहती हैं चटपट को बहुत सर चढ़ा रखा है। पूछो क्यों उनसे कह दीजिए घर का भेदी है लंका की फिक्र करें। अच्छा बकवास बंद करो चलो। चटपट तुमने मीरा देवी को नया नाच देखने की दावत दी। मीरा को लेकिन रसीली से भी पूछ लिया है। रसीली का मीरा से क्या मतलब। सोच लीजिए रसीली बाई के तेवर आजकल कुछ बिगड़े हुए हैं। वो मॉडर्न थिएटर का मालिक सेठ संपत लाल है ना वो भी आपकी शमा के गिर चक्कर काट रहा है। उसकी इतनी जुरत मैं उसके गर्दन मरोड़ दूंगा। हाँ 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 गर्दन मरोड़ना जुर्म है। पूछो क्यों से चंपतलाल जी चमन के आने से पहले आप चंपत हो जाइए। आदमी जरा गर्म मिजाज है ऐसा ना हो के हमारी गर्दन ही मरोड़ दे। अच्छा चलो
आपकी राह में शहीद हो जाएंगे। आप तो शहीद हो जाएंगे मगर मुझे अपनी जिंदगी से नफरत नहीं हुई। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? प्यासा कुएं पे क्या चाहता है? डूबना। आखिर तुमको चमन के थिएटर से इतना लगाव क्यों है? हमारे थिएटर में चली आओ ना, तुम्हारी कसम सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। हाँ चमन, देखो ना कब से तंग कर रहा है। अब नहीं करेगा गधा। अरे कहीं मरने तो नहीं लगा? इसे दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी? अरे कोई है, इसे थिएटर के बाहर फेंक दो। बेचारे का दिल कमजोर है। उसके दिल की फिक्र करने से पहले इस मरीज इश्क को तो अच्छा कर लो। दर्द किसी ने दिया, दवा हम करें? तुम्ही ने दर्द दिया जानम, तुम ही दवा देना। पूछो क्यों। लीजिए, आप यहाँ इश्क फरमा रहे हैं और वहां मीरा देवी थिएटर पे तशरीफ लाएंगे। मीरा? रसीली, आज वो डांस हो जाए कि बस नशा आ जाए। मीरा सरकार आई है इसलिए? मीरा के आते ही आपका मर्ज जाता रहा। तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। समझती नहीं हो, मर्ज तो वही है, सिर्फ डॉक्टर बदल रहे हैं। पूछो क्यों। अरे कांच हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है रसीली भाई, मगर इसके लिए हीरा बनने की कोशिश करना बेकार है। तो फिर कांच भी वही जाएगा, हम उसे जाएगा। अजी बंदर के जाने अदरक का सवाल। मैं कहता हूँ तुम जैसे हीरे की कदर मुझ जैसे जौहरी के पास ही हो सकती है, लेकिन एक तुम हो कि हमारी तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया। है? अच्छा तो आप ही वो जौहरी हैं जिनकी मुझे मुद्दत से तलाश थी। पूछो क्यों। अब तुम पूछो क्यों। हाँ हाँ, इस तरह पूछने के लिए किसने कहा था। आज हमारे नसीब कैसे जागे जो आप तशरीफ ले आए। बाबा ने मजबूर किया, चली आई। काश आप हर रोज इसी तरह मजबूर होती रहें। शो देखिए। पार्टी पे कल जो तुझसे आंख मटका हो गया, आंख मटका हो गया, पानी पूरी भूल गया मैं, हक्का बक्का ओए हक्का बक्का हो गया। चौपाटी पे कल जो तुझसे आंख मटका हो गया, हाय आंख मटका हो गया। ए ऐसा वैसा एक उचक्का हो गया, एक उचक्का हो गया, हाय किस्मत पूटी तुझसे आंख मटका, ओए आंख मटका हो गया। चौपाटी पे कल जो तुझसे आंख मटका हो गया, आंख मटका हो गया। खून के हर कतरे पे तेरा नाम दिखाऊं मैं रानी, हाय नाम दिखाऊं मैं रानी। कल जो तुझसे आंख मटका हो गया, आंख मटका हो गया।
चांदनी मचलती उमंग हो, तू हो सुहानी और रानी मेरे संग हो, राजा मेरे संग हो। दिन हो एतवार और मन में भरा प्यार, तो बहार ही बहार है, बहार ही बहार है, बहार ही बहार। बाहों में बांधे हो नमाजी अदाए हो, मुट्ठी जवानी हो शराबी निगाहे हो। दिन हो एतवार और मन में भरा प्यार, तो बहार ही बहार है, बहार ही बहार, बहार ही बहार। तुम चले गए दिल मेरा खट्टा हो गया, दिल मेरा खट्टा हो गया। बना बनाया खेल ही सारा जोड़ दुपट्टा, वह जोड़ दुपट्टा हो गया। चौपाटी पे कल जो तुझसे आँख में टक्का हो गया, आँख में टक्का हो गया। नाच पसंद आया मेरा? बुरा नहीं था। तुम मेरे थिएटर में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती मेरा? बचपन में तो तुम्हें थिएटर का बहुत शौक था। बचपन की कई ऐसी चीजें खो बैठी हूँ जिन्हें अभी तक नहीं पा सकी। और न पा सकोगी, ये जिंदों की दुनिया है मीरा, मरने वालों को भूल जाना ही अच्छा है। मीरा, जितनी तुम्हें रतन की याद से मोहब्बत है, उससे आधी मोहब्बत में तुम मुझे उम्र भर के लिए खरीद सकती हो। मोहब्बत का सौदा नहीं होता चमन बाबू। मैंने बचपन में रतन से वादा किया था कि हमेशा उसी की होकर रहूंगी, मैं वो वादा अभी तक भूल नहीं पाई। मैं अपने बचपन की याद को बिल्कुल भूल चुका हूँ। 10 साल की उम्र में इसी अनाथ आश्रम में मुझे जख्मी हालत में लाया गया। सर पे चोट आ जाने की वजह से मैं अपनी पिछली जिंदगी बिल्कुल भूल चुका था। तब से ये अनाथ आश्रम मेरा घर, यहाँ के बच्चे मेरे भाई बहन और यहाँ के कर्ता मेरे माँ बाप, इन्होंने ही मेरा नाम अशोक रखा और मुझे नई जिंदगी दी। यहाँ मुझे फर्ज और इंसाफ की तालीम दी गई और यह इसी तालीम का नतीजा है कि मैं इस छोटी उम्र में यहाँ गोरखपुर में मैजिस्ट्रेट हूँ और आप लोगों के दिलों में अपनी कदर पाता हूँ। यहाँ के बच्चों के लिए मेरा यही संदेशा है कि वो भी इसी शिक्षा पर चलें और फूले फलें। आखिर में मैं अपने प्यारे दोस्त श्री मोहन बाबू के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जिनके दान की बदौलत आज के लिए अनाथ आश्रम चल रहा है। आप श्री मोहन बाबू को इस शहर के बहुत बड़े कारोबारी और रईस आदमी की हैसियत से जानते हैं, मगर मुझे इनकी दोस्ती का भी फख्र हासिल है। इसीलिए मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इनकी निगरानी में यह अनाथ आश्रम दिन ब दिन तरक्की करेगा। मैं अपनी और आप सबकी तरफ से अपने दोस्त जज साहेब अशोक कुमार और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीला देवी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे सालाना जलसे में शामिल होकर हमें इज्जत बख्शी। अशोक भैया, क्या तकरीर करते हो? जी चाहता है कि शहर में जगह जगह तुम्हारे बुत बनवा दूं। मर जाऊंगा तब ये हसरत भी पूरी कर लेना। ओ।
हमारी हसरत तो तुम्हारे जीते जी भी पूरी हो सकती है अगर लीला देवी साथ दें तो। बड़े बेवकूफ हो मोहन, शाम को तो मुलाकात हो रही है ना। अशोक आ रहा है। अजी अशोक की क्या बात है, दोस्त हो तो ऐसा हो। अरे हाँ, आपकी बीवी के गले में हार डालने की जरूरत कर सकता हूँ? बस यही एक निशानी, मेरे बचपन की निशानी है, और कुछ याद नहीं। बचपन याद भी नहीं, फिर भी हमेशा बचपन ही को याद किया करते हो। ठीक कहती हो तुम, मेरी हालत उस आदमी की तरह है जो अपना खजाना कहीं रखकर भूल गया हो। कहाँ रखा है याद भी नहीं आता और भुलाया भी नहीं जाता। छोड़िए, अब क्या लेना है आपको बचपन से? भगवान की दया से पोजीशन है, इज्जत है। तुम लीजिए, आपके कचहरी जाने की घंटी बज गई। चलिए जज साहब, अब कचहरी में चलकर इंसाफ कीजिए। मोहब्बत भी करते हो तो ऐसे कि मुजरिम को सजा दे रहे हो। बस तुम्हारी इन्हीं बातों में तो आ गया हूं। फर्ज से मजबूर हूँ, वरना जी चाहता है सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहूं। बस रहने दीजिए जज साहब, आपके प्रेम की नैया तो फर्ज की चट्टान से ही टकरा कर चूर चूर हो जाया करती। सुनिए, आज जरा कचहरी से जल्दी आइएगा। क्यों? मुझे गले का एक हार खरीदना है, काम का तो एक भी जेवर नहीं है मेरे पास। ओ, आज तो एक खास मुकदमा है, मैं वक्त से पहले ना आ सकूंगा। हाँ, मोहन को टेलीफोन कर दूंगा, वो तुम्हारे साथ बाजार चला जाएगा। डार्लिंग, तुम अक्सर मोहन को मेरे साथ भेज दिया करते हो, ये कुछ ठीक नहीं। लीला, फिर ऐसी बात जबान पर ना आए। मोहन जैसे दोस्त के बारे में गलत कहना तो क्या, गलत सोचना भी पाप है। माफी चाहती हूँ जज साहब। अगर तुम कहीं मुजरिम बनकर हमारी अदालत में आती तो हमारा इंसाफ तो बस खत्म ही था। ठहरो, टाई जरा बाहर निकाल लो, मुझे ऐसे अच्छी लगती है। हेलो जैकी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कचहरी नहीं ले जाऊंगा। वफा भी इंसान कुत्ते से सीखे, कितना प्यारा जानवर है। लेकिन मुझे तो ये काटने को आता है। कहते हैं कुत्ते को बुरे भले की पहचान होती है। अच्छा जी, तो हमें आपके कुत्ते से करैक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आज फिर देर से याद किया, काश आप इंतजार की तड़प जानती। काश आप हमारी मजबूरियां जानते। यानी जज साहब ने कचहरी जाने में देर कर दी, क्या बातें होती रहीं। यही मोहब्बत की जो मियां बीवी में हुआ करती है। देखो लीला, तुम्हें कई बार कहा है मुझे जलाया ना करो। यस। हेलो मोहन, मैं हूँ अशोक। अशोक, क्यों दे? नहीं नहीं, घबराने की क्या बात है, कहो। अरे भाई, तुम्हारी भाभी आज शॉपिंग के लिए बाजार जाना चाहती है, जरा उसके साथ चले जाओ ना। अरे नहीं अशोक, आज बहुत काम है। हाँ, माफ करना, आज ना जा सकूंगा। क्या कहा, नहीं आ सकोगे? अभी हाजिर होता हूँ सरकार। वो भी साथ आ रहा है। योर ऑनर, ये वही मोतियों का हार है जो मुल्जिम की बीवी को उसके प्रेमी ने दिया था और जिस पर मुल्जिम ने अपनी बीवी का गला घोंट दिया। मुल्जिम की बीवी का प्रेमी मुल्जिम का जिगरी दोस्त था। 5 साल तक मुल्जिम की बीवी और उसके दोस्त ने मुल्जिम की आंखों में धूल डालते हुए आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम रखे। मगर वकील साहब,
ये कैसे हो सकता है कि एक होशियार आदमी को 5 साल तक इन नाजायज ताल्लुकात का पता न चला हो? योर ऑनर, जब दायां हाथ बाएं हाथ को काटने लगे, घर का चिराग ही घर को जलाने लगे, अपने अपनों को धोखा देने लगे, तो होशियार से होशियार तो क्या, काबिल से काबिल आदमी भी धोखा खा जाता है। मुल्ज़िम अपनी बीवी को जान से भी ज्यादा अजीज रखता था, अपने दोस्त को खून से भी ज्यादा प्यारा समझता था। योर ऑनर, जब ऐसे दो शख्स ही धोखा देने पर उतर आए, तो कौन वो काबिल और होशियार आदमी है जो धोखा न खा जाएगा? मैं न खा जाऊंगा, या गुस्ताखी माफ क्या? खुशियों के दिन मनाए जा, दिल के तराने गाए जा, तुझको जवानी की कसम, दिल की लगी बुझाए जा, दुनिया मेरी बसाए जा, आ पिया अभी तो मैं जवान हूँ, 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 अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और ये वो खत हैं जो मुल्ज़िम की बीवी ने अपने प्रेमी को लिखे थे। माफ कीजिए वकील साहब, मुझे अदालत अभी खत्म करना है, कल सुबह मुझे दौरे पर मसूरी जाना है, बाकी कागजात घर भिजवा दीजिए। आधा वर्ष शहर में आपका बड़ा चर्चा हो रहा है। क्यों लाला जी, मैंने ऐसा क्या किया? असेंबली का इलेक्शन आ रहा है और हम लोगों का ख्याल है कि आपको मेंबर बनाया जाए। अरे नहीं साहब, मैं तो इंसाफ और कानून के जरिए ही आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। नहीं साहब, माफ कीजिए। बड़ा देवता आदमी है, सचमुच देवता है। लाला बूटा राम जी, मुझे बीवी के लिए एक हार चाहिए। दुकान हाजिर है जय साहब, लीजिए। ये लीजिए। क्या दाम है? आपसे नफा थोड़ी लेना है, खाली 3000 की खरीद है। अरे बाप रे, 3000? नहीं भाई, हम ऊपर के आमदनी वाले जज नहीं, कोई 300 तक का बताओ। 300 तक का? सस्ते तोहफे की क्या कदर होगी जाई साहब? ना, तोहफा 10 का हो या 10,000 का, कदर तोहफे की नहीं, देने वाले की प्रेम की होती है। 10,000 का लाया तुम्हारे लिए। तोहफा हो तो ऐसा, प्रेम की कदर तोहफे से ही तो जाहिर होती है। चोर अशोक 5 बजे से पहले कभी नहीं आता। अशोक, अरे मोहन तुम हो? तभी जैकी भौंक रहा था। क्यों, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम दोनों को इस तरह देखकर मुझे आज के मुकदमे का ख्याल आ गया। एक शख्स की बीवी और उसका दोस्त 5 बरस तक उसकी आंखों में धूल ढालकर प्रेम की पींगे बढ़ाते रहे,
भला बताओ, ये भी कोई मानने की बात है? डाले, तुम भी कैसी बातें करते हो? मुझे तो ऐसे मालूम हुआ जैसे तुम पर शक कर रहा हूँ। बड़ी भोली हो, पगली। भला तुम पर कभी शक कर सकता हूँ? और फिर मोहन पर, तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया हो। हाँ लीला, तुम्हारे लिए हार खरीद लाया हूँ। ये देखो, ज्यादा कीमती तो नहीं। कीमत तो देने वाले के प्रेम की होती है, क्यों मोहन? ठीक तो है, कीमत तोहफे की नहीं, देने वाले के प्रेम की होती है। यही मैंने दुकानदार से कहा था, मगर वो बेसमझ क्या समझे। तुम्हारा रुमाल गिर गया मोहन। आखिर यहाँ अकेली रहकर करोगी क्या? आजकल मसूरी की खूबसूरती देखने के काबिल है, और फिर बर्फ के नजारे देखकर तुम्हारी तबीयत और भी खुश हो जाएगी। अरे मोहन भाई, तुम ही लीला से हमारी सिफारिश करो ना। मैं कब से कर रहा हूँ मेरे साथ मसूरी चलो, मानती ही नहीं। चली जाओ ना लीला, कितने प्यार से कह रहे हैं जज साहब। तुम्हारा ख्याल है मैं अशोक के बगैर यहाँ रहना पसंद करती हूँ, मगर बात यह है पहाड़ के सफर से मेरा जी घबराता है। अच्छा भाई, हमारी किस्मत। मगर दोस्त, मेरी गैर हाजिरी में लीला का ख्याल रखना, अगर कोई शिकायत हुई तो कड़ी सजा मिलेगी। हाँ भाई, जज की दोस्ती में यही तो मिलता है, खता हुई नहीं और सजा मिली नहीं। समझते हो। चमन, तुम कब आए? तुम्हारे संगीत से मोहित होकर तो देवता भी आकाश उतर आएंगे, मैं तो सिर्फ इंसान ही हूँ। हमारे देवता तो ना जाने कौन से आकाश पर हैं, जो हमारी आवाज ही नहीं सुन पाते। ये भी खूब रही, जिन्हें हम देवता मानते हैं वो खुद किसी और देवता की तलाश में। आखिर कब तक किसी की राह देखोगी? कब तक इंतजार की आग में अपनी जवानी और अपनी खूबसूरती को जलाती रहोगी? जब तक ये जलकर राख ना हो जाए। नादान ना बनो मीरा, तुम्हारी जिंदगी ही मेरी दुनिया है। पूछो क्यों? ये बेमौके की बकवास मुझे पसंद नहीं चटपट। हाँ हाँ, पहले बात तो सुन लो, फिर मौका भी बन जाएगा। रसीली संपत लाल के पास क्या कहा? ये कभी नहीं हो सकता। कहा है मजबूर? मैं भी चमन को उसी आग में जलाना चाहती हूँ जिसमें मुझे उसने जलाया था। जब वो मुझे तुम्हारे पास पाएगा। मेरे पास? रसीली, तुम मेरे पास? मेरा दिल खुशी से बैठा जा रहा है। रसीली, 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 मेरा दिल। सेठ जी, सेठ जी। रसीली। चमन, तुम्हारी ये जुरत, तुम्हारी ये मजाल। ये तुमने क्या किया चमन बाबू? अब फौरन यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ चमन बाबू, भाग जाओ।
साहब। आपका बत्ती जलता है। ओ। Yes, please. मुझे कमरा चाहिए। Yes, sir. आप गोरखपुर से बोल रहे हैं? ओ, अच्छा मैम साहब को फोन देना। हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ लीला। हाँ मैं अच्छा हूँ, मगर तुम कैसी हो लीला? मोहन तो आया करता है ना? हाँ बस दो चार रोज़ ही मैं वापस आ रहा हूँ। चीरियो। गोरखपुर के जज हैं, बहुत अच्छे आदमी। बॉय, साहब को 10 नंबर का कमरा दिखाओ। जी साहब। थैंक यू। ये ठीक है। रात भर नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, बहुत इलाज करा चुका हूं। वैसे तो कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती, शायद किसी परेशानी की वजह से नींद ना आती हो। खैर, सोने से पहले 2 गोलियां खा लीजिए, खूब नींद आएगी, लेकिन 2 से ज्यादा कभी मत खाइएगा। बहुत तेज तो नहीं डॉक्टर साहब? अरे बहुत तेज है, 4 से तो इंसान मर भी सकता है। इंसान मर भी सकता है? जी हाँ, एहतियात बहुत लाजमी है। Thank you.
मालूम होता आपको कहीं देखा हुआ है। हो सकता है, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं गोरखपुर में मैजिस्ट्रेट हूँ। आप इसी होटल में ठहरे हुए? रूम नंबर 11। और फिर तो आप हमारे हमसाए हुए, मैं नंबर 10 में हूँ। अच्छा नंबर है। बॉय, यस सर। कमरे में 2 कप कॉफी भेज दें। बहुत अच्छा। जज साहब, अभी तो 10 ही बजे हैं, आइए ना जरा कमरे में बैठ के 2-1 बाजी रमी की हो जाए। चलिए। नींद के लिए दवाई पीता हूँ। ओह, लेकिन इन दवाइयों से कुछ फायदा भी होता है? जी हाँ, नींद आ जाती है। ओह, जरूर आ जाती होगी साहब, मुझे तो आपको पीते देखकर ही नींद आने लगी। रमी, अच्छा तब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अजी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 11 ही बजे हैं। आज बहुत थक गया हूँ, दिन भर का सफर था।
जज साहब क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए मालूम होते हैं। नहीं तो साहब आपकी गाड़ी तो ये है। ओ। ये गाड़ी आप बच तो जाएगा मगर दवाई का असर बहुत बुरा होगा, शायद अपना दिमाग खो बैठे। मैंने तो इसे ताकीद की थी कि दो गोलियों से ज्यादा मत खाना, मालूम होता है ज्यादा खा गया। मैंने साहब ये तो जीवन चमन है, शेर शंपतलाल का कातिल, देखिए ना। कातिल? कातिल? मेरे ख्याल में इसने खुदकुशी की कोशिश की है। खैर इसे अस्पताल ले चलिए। अजी मैंने इसे होटल में दाखिल होते ही पहचान लिया था, खूनी आंखें थी इसकी। दोस्तों किस्मत के बेरहम हाथों ने अशोक को अचानक हमसे छीनकर हमें वो सदमा पहुंचाया जिसे हम उम्र भर नहीं भूल सकते। आज इस शहर में ऐसा कोई नहीं जिसका दिल रंजोगम से भरपूर ना हो। अशोक ऐसी हस्ती की मौत पर आंसू ही बहा देना काफी नहीं, बल्कि हमें उसकी याद को कोई शक्ल देनी चाहिए। मेरा और अशोक की धर्मपत्नी का ख्याल है कि मरहूम की यादगार के तौर पर उसका बुत बनवाया जाए। मुझे उम्मीद है कि इस नए काम में आप सब लोग मिलकर हमारा हाथ बटाएंगे। जरूर जरूर। ये तुम्हें बुत की क्या सूझी? याद है लीला, अनाथ आश्रम के जलसे में मैंने अशोक से वायदा किया था कि तुम्हारा बुत बनवाऊंगा। बड़े शरीर। अच्छा जी। बॉय बॉय आप होटल में नहीं हॉस्पिटल में हैं चमन बाबू। हॉस्पिटल? चमन बाबू? मगर मेरा नाम तो चमन नहीं। चमन बाबू अपने आप को छुपाने की कोशिश मत करो, पुलिस ने हमें सब कुछ बता दिया है। पुलिस? मगर मैं तो यहाँ दौरे पर आया था। दौरा तो आपके दिमाग पर हो रहा है। मगर नर्स डॉक्टर मेरी समझ में नहीं आ रहा, बात क्या है? नर्स मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? नर्स हम्म
जिस बात का डर था वही हुआ, दिमाग खो बैठा है। खैर जरा एहतियात से काम लेना। यस डॉक्टर। योर ऑनर, मुलजिम नंबर एक दीवान चमन मसूरी हॉस्पिटल में जेरे इलाज है और मुलजिम नंबर दो रसीली बाई अदालत में हाजिर है, मगर मुकदमा की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अदालत की तवज्जो डॉक्टरी रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिससे साफ जाहिर है कि शंपत लाल की मौत चमन के हमले से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर दिल की हरकत बंद हो जाने से वाकई हुई है। इस रिपोर्ट के बाद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुलजमान को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। मुबारक हो मिस्टर चमन, आप कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिए गए हैं। अजी मैंने तो इन्हें देखते ही पहचान लिया था कि बेचारा बेगुनाह है, बेगुनाह। मगर डॉक्टर मैं कई दफा कह चुका हूँ मैं चमन नहीं हूँ, चमन नहीं हूँ, मेरा नाम अशोक है, अशोक। अजी अशोक क्या आप तो अशोक जज होंगे? हाँ वही तो हूँ मैं। देखा डॉक्टर। अरे मिस्टर अशोक जज को तो मरे हुए आज कई रोज हो चुके। हाँ ये देखो अपनी आंखों से पढ़ लो। इसे पागलखाने भेजना पड़ेगा। अजी मैंने तो इसे देखते ही जान लिया था कि ये कोई पागल है, पागल। पूछो क्यों, पूछो क्यों। मेरा नाम है चटपट। पूछो क्यों है? जी मैं यहाँ आया हूँ, पूछो क्यों। मैं क्यों पूछूं साहब? मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, मैं पूछता हूँ हमारे दीवान चमन बाबू का क्या हाल है। चमन बाबू? हाँ चमन। अरे भाई वो तो कल रात का यहाँ से गायब है, उसका दिमाग खराब हो गया है, अपने आप को गोरखपुर का जज बतलाता है। हैं? गोरखपुर का जज? पूछो क्यों, पूछो क्यों। अरे भाई मैं क्यों पूछूं? अरे लाला जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे मुंशी जी माफ कीजिए। कोई नहीं पहचानता। गोरखपुर के मशहूर और हरदिल अजीज जज अशोक कुमार की अचानक मौत ने क्या आप भी चंदा देंगे? चंदा? चंदा कैसा? अजनबी मालूम होते हैं आप। जी हाँ अजनबी समझिए। ये अशोक बाबू इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती थे, यहाँ के बच्चे बच्चे को अजीज, इनकी अचानक मौत हो गई है और अब इनकी बीवी लीला देवी और दोस्त मोहन बाबू इनकी यादगार में बुत बनवाना चाहते हैं। आप भी इस नेक काम में हिस्सा लीजिए। ऐसे नेक इंसान के लिए तो हर एक को कुछ न कुछ देना ही चाहिए। लीजिए।
लीजिए, चंदा देने वालों को अशोक बाबू और उनकी धर्मपत्नी की तस्वीर दी जाती है। अच्छा, शुक्रिया। जज साहब, हमारे बुद्ध के लिए हम ही से चंदा? ये अच्छा इंसाफ है। लीला, अब थोड़ी देर में तुम्हारे गम के आंसू खुशी में बदल जाएंगे। किस्मत ने मुझे तुम्हारी वफा का सबूत देना था, शायद इसीलिए ये खेल खेला गया। मैं आ रहा हूं मेरी लीला। कितनी उदासी छाई हुई है। ना 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 ना, ऐसे नहीं जो साहब, जरा सबर से, जरा प्यार से, दबे पांव चलकर दोनों हाथों से लीला की आंखें मूंद लो और पूछो कौन, देखें आपकी प्रिय आपको पहचानती भी है या नहीं। मोहन, तो कौन? एक प्रेमी। किसका? एक सुंदरी का। कौन है वो? है एक मन की रानी। समझ गई। बतलाओ तो नाम। नहीं बतलाते। उफ, कितने खूबसूरत है। हाय हाय हाय, औरत का दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे पति तो सारी उम्र हमारे साथ रह करना सीख सके। याद है वो दिन खरीद लाए थे तुम्हारे लिए कांच का एक हार? अरे अरे, उस दिन तो बाल बाल बच गए। किस सफाई से छुपाया था मैंने वो तुम्हारा दिया हुआ हार। और हमारा दिया हुआ दिल भी तो तुमने खूब सफाई से छुपाया था। ये खड़का कैसा? कोई आवारा कुत्ता फिर रहा होगा। कभी कभी तुम्हें बहुत डर जाती हूँ, ऐसे लगता है अशोक हमें देख रहा है। पगली, जो जिंदा होते हुए ना देख सका वो भला मरकर क्या देखेगा। प्यारा होता है किस्मत बिगड़ी दुनिया।
अब जिसको मोहब्बत कहते हैं, नादान वो धोखा होता है, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। तूफान से कश्ती बच निकली, साहिल पे पहुंच कर डूब गई। भगवान तुम्हारी दुनिया में अंधेर ये कैसा होता है, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, फिर कौन किसी का होता है। ऐ दुनिया वालों सच को कहो, क्या प्यार भी झूठा होता है, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। चलो चलो चलो, अरे अरे क्या कर रहे हो, अरे पूछो क्यों, ला लो। अरे चमन बाबू, तुम्हारा चटपट तुम्हें ढूंढता ढूंढता मोती चूर हो गया, और तुम हो के यहाँ मजे से आती आती रौनक देख रहे हो, पूछो क्यों। अच्छा जी, अब हमें भी नहीं पहचानते हैं। मानता हूँ उस्ताद, मानता हूँ। अरे यार छोड़ो, अब हमसे क्या एक्टिंग कर रहे हो, क्या देख रहे हो। मैं कहता हूँ कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिए गए हो भाई। हाँ हाँ, बरी कर दिए गए हो। चलो आओ घर चले आओ। उसका दिमाग खराब हो गया है, अपने आप को गोरखपुर का जज बतलाता है। समझा, डॉक्टर ने गलत नहीं कहा। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज करवाएंगे। मैं कहता हूँ पैसे से क्या नहीं हो सकता। जिंदगी जिंदा रहने के लिए लाइन पर से मत गुजरो, यही तो मैं भी कहता हूँ। जिंदगी जिंदा रहने के लिए लाखों का कारोबार तुम्हारे बिना बंद पड़ा है, और तुम हो कि यहां मारे मारे फिर रहे हो। सब तुम्हें चमन समझते हैं, एक दुनिया तो देख चुके हो, अब दूसरी दुनिया भी देख लो। ओ बुधवा, ओ मंगलू, ओ रामू, ओ चम। मुबारक हो मालिक, भगवान ने बड़ी दया कर दी, आप आ गए। मंगलू, अरे इसे नहीं पहचानते, ये अपना रसोईया है। ओ हाँ, बुधुआ। मालिक बुधुआ तो मेरी जोरू का नाम है। बुधुआ तो इसकी जोरू का नाम है, पूछो क्यों। चल बे हट, परेशान मत कर, चलो आओ। सिगरेट, सिगरेट पीजिए ना चमन बाबू। हो चमन बाबू, अच्छा आप यहां बैठिए और मैं जाकर जरा चाय का बंदोबस्त कराता हूं।
ये तो चमन मालूम नहीं होता कहीं। आप कौन हैं? आप मुझे नहीं पहचानते? बात यह है कि मैं मुझे इनको पहचान लिया ना? मेरी बीवी? लो पूछो क्यों, बीवी नहीं, ये थी मीरा देवी, हमारे पड़ोस में रहती। पड़ोस में रहती? हाँ, मीरा देवी। वो आए बहारे लाए बजी शहनाई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। वो आए बहारे लाए बजी शहनाई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। किया लहराए नजर शर्माए नशा सा अंग अंग में डोले हो डोले, किसी को पाके तमन्ना किसी को देख के ना बोले हो बोले। वो निकला चांद चांदनी छाई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। वो आए बहारे लाए बजी शहनाई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। रहे हैं तारे चमन में झूम रही है कलियां हो कलियां, बहुत दिन बाद हुई आबाद ये मेरे प्यार की सुनी गलियां हो गलियां। मेरा दिल लेने लगा अंगड़ाई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। वो आए बहारे लाए बजी शहनाई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। फिजा में रंग है दिल के संग उमंग के खेल रही है होली हो होली, किसी ने एक नजर में भर दी हमारे अरमानों की झोली जवानी। घूंघट में शर्माई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। वो आए बहारे लाए बजी शहनाई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। समझा, अशोक तो अब खत्म हो चुका।
हेलो जी हाँ मैं चमन हूँ। तुम चमन नहीं हो। हाँ तुम चमन नहीं हो। यही तो मैं भी कहता हूँ मगर कोई सुनता ही नहीं। दुनिया ने चमन चमन कहना शुरू कर दिया और आखिर बना के छोड़ा। हाँ अगर आपको कोई एतराज हो तो। नहीं नहीं दुनिया ने आपकी शक्ल से धोखा जरूर खाया मगर आपसे बेइंसाफी नहीं की। ये आप ही का घर है। ये भी खूब रही। आइए आइए तशरीफ रखिए। आप मुझे पागल समझती हैं। मैं चमन भी नहीं हूँ और ये घर भी मेरा है। जी हाँ आप चमन भी नहीं हैं और ये घर भी आपका है। क्या आपको अपना बचपन कुछ भी याद नहीं? मुझे कुछ याद नहीं और जो कुछ याद है उसे भी भूल जाना चाहता हूँ। तो क्या आपको ये भी याद नहीं? दो छोटे लड़के और एक उनकी सहेली जिसने बरसों किसी का इंतजार किया। इंतजार और बरसों इंतजार। कोई किसी का इंतजार नहीं करता मीरा देवी। कोई किसी का इंतजार नहीं करता। इंतजार तो सिर्फ शायरों की कल्पना है किताबों में लिखने के लिए। आप ही बताइए क्या आप किसी का बरसों इंतजार कर सकती हैं? हाँ, पूछो क्यों। मैंने कहा हजूर रसीली बाई थिएटर में आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक कहते हो दोस्त सभी सबका इंतजार कर रहे हैं। सुना मीरा देवी रसीली रसीली चटपट एक बात और याद करवा दो मुझे रसीली से प्रेम था या रसीली को मुझसे? इस बात का तो अभी तक फैसला नहीं हो पाया। पूछो क्यों पूछो क्यों? ओ नमस्ते। नमस्ते बैठो बैठो बैठो। मैं आ गया हूँ। जी तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस ले आई। जी तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैं चमन हूँ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जी और तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो चटपट कह रहा था। जी रसीली अब चमन रसीली मैं ओ चमन तुम आ गए मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। चटपट तुम बहुत याद आते थे रात दिन तुम्हारे सपने देखा करते थे। चटपट अच्छा हुआ तुम बच गए। अब हम दोनों मिलकर चटपट वो रिहर्सल का रिहर्सल तो हो रही है ना। पूछो क्यों। मीरा देवी आप यहाँ भी चली आई? जरा एक्टिंग सीखने चली आई थी। एक्टिंग अगर एतराज हो तो चली जाती हूँ। नहीं नहीं आप चली क्यों जाती हैं? चलिए ना रसीले का नाच देखें अभी रिहर्सल होने वाली। असर है मोहब्बत का दोनों के दिल पर
असल है ना उनको खबर है ना हमको खबर है ना उनको खबर है ना हमको खबर है खबर। पूछो क्यों? यही चमन मेरे नाच पे तालियां बजा बजा कर पागल हो जाया करता था, आज नाच चरा के चल दिया। आप हमेशा मेरी ही बातें करती रहती हैं, अपने बारे में कुछ भी नहीं कहती। मेरे बारे में? बस मैं आपकी एक हमसाया हूँ और कुछ नहीं। आपकी आवाज में कुछ ऐसा दर्द है जो किसी को हाथ में आई हुई किस्मत खो जाने से होता है। काश मैं आपको बतला सकती कि मैं क्या पाकर खो चुकी हूँ। बचपन का रोग है, कोई वफा का वादा करके भूल गया और मैं राह देखती रही। वफा? फिर वही बात, मुझे इस लफ्ज से नफरत है। मीरा, क्या हुआ बेटी? रतन मिला? वो मुझे भूल गया बाबा। बेटी, मुसाफिर मंजिल के करीब पहुंचकर हिम्मत नहीं हारता। अगर भूल गया है तो उसकी याद को वापस लाना होगा बेटी। मगर बाबा, वो तो अपने बचपन को ही भूल चुका है। तो उसके बचपन को भी वापस लाना होगा। आज क्या दिन है बेटी? कार्तिक का वही मेला फिर आ रहा है जहां रतन गुम हुआ था। उसे वहीं ले जाओ, शायद उसकी याद पलट आए।
श्रीमती लीला देवी जी नमस्ते। आपके स्वर्गवासी पति मिस्टर अशोक मेरे बचपन के दोस्त थे। उनकी अचानक मौत से मुझे गहरा सदमा पहुंचा। मुझे अफसोस है कि आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अशोक बाबू हमेशा आपके पति प्रेम की तारीफ किया करते थे। सुना है आप उनकी यादगार कायम करने के लिए उनका एक बुत बनवा रही। मेरी तरफ से 25,000 की ये मामूली सी भेंट स्वीकार करके मुझे भी इस नेक काम में हिस्सा लेने का मौका दें। आपका शुभ चिंतक दीवान चमन कुमार, रईस व लैंडलॉर्ड, कुतुब रोड, दिल्ली। दीवान चमन कुमार, 25,000, कोई बहुत बड़ी आसामी मालूम होती है कौन? मैं तो खुद पहली दफे नाम सुन रही हूँ। होगा अशोक का कोई पुराना दोस्त। इसे तो अच्छी तरह फांसना चाहिए। लिखो जवाब। श्रीमान दीवान जी नमस्ते, आपका पत्र और 25,000 रुपए का चेक मिला। अशोक की मौत के साथ ही मेरी दुनिया भी खत्म हो चुकी है। अब तो जीवन के अंधेरे में एक गुमराह मुसाफिर की तरह भटक रही हूं। मेरे पति भी अक्सर आपकी तारीफ किया करते थे। आपने उनकी यादगार के लिए इतनी बड़ी रकम भेजकर दोस्ती की मिसाल कायम कर दी है। उनका बुत अब बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। विनती है कि नकाब कुशाई की रस्म आप अपने ही हाथों से अदा करें। आशा है कि आप निराश न करेंगे। आपकी शुभ चिंतक लीला देवी। हेलो हेलो। हाँ, ओह हेलो, दीवान चटपट, आप कौन है? मैं हूँ बेगम रसीली, पूछो क्यों? अरे रसीली, मैंने कहा चमन बाबू को बुला दूँ। जी नहीं, अब चमन की ख्वाहिश नहीं है, अब तो चटपट को ही अपना दूल्हा बनाना है। और वो भी झटपट। नहीं भाई नहीं, दूल्हा तो मेरा चचा भी नहीं बना था। और सुनो चटपट, मैं जरा मीरा के साथ मेला देखने जा रहा हूँ, कोई फोन ना आए तो कह देना शाम तक लौटूंगा। अच्छा, पूछो क्यों। मेले भी एक ही तरह के होते हैं। ऐसा मालूम होता है ये मेला कहीं देखा हुआ है। आओ फोटो खिंचवाएं। एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। तूने कह दी मैंने कह दी, दुनिया एक कहानी। इस दुनिया के मेले में कोई राजा है कोई रानी। दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। दूर के
देश से पंछी आया, दूर देश से पंछी आया, मिलता नहीं बसेरा। अभी तलक उसकी आंखों में छाया हुआ अंधेरा, आंधी ने इनके तिनकों को चारों ओर बखेरा। बनी हुई है एक अफसाना तेरी याद पुरानी रे भैया, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। मीरा, रतन, हेलो अशोक, पागल मत बनो, तुम शादीशुदा हो। तुमने मुझे बुलाया था रतन, तुमने मुझे बुलाया था, तुम्हें सब याद आ गया। क्या याद आ गया मेरे? रतन कौन? तुमने मुझे आवाज दी थी ना? मैंने समझा तुम कहीं गुम हो गए थे। और मैं समझी कि तुम मिल गए रतन। मेरे बचपन के साथी, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? मीरा, इतने रात गए? रात? सुबह हो चुकी है। ओ,
क्या लिख रहे हो? एक ड्रामा लिख रहा हूं। नाम क्या है? अफसाना। किसका अफसाना है? किसी की जिंदगी का अफसाना है। मीरा, इसे खेलने में तुम मेरा साथ दोगी? तुम्हारा साथ? तुम्हारा साथ क्यों ना दूंगी? जिंदगी भी किस्मत का एक अनोखा खेल है। इंसान जो सोचता है कह नहीं सकता, और जो कहता है कर नहीं सकता। ये आपके ड्रामे की डायलॉग है? हाँ, ये मेरे ही अफसाने की एक लाइन। पूछो क्यों? चमन बाबू, आपकी चिट्ठी। फ्रॉम लीला देवी। पूछो क्यों? जैकी, जैकी। ये टाई बाहर निकाल लो, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। तुम्हारी इन्हीं बातों में तो आ गया हूं। हाँ लीला, आज दीवान चमन को भी तो आना था। लो, वो आ गए। मछली ने कांटे को मुंह डाल ही दिया। शिकार भी मामूली नहीं, 20,000 की तो मोटर होगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। हेलो जैकी। हेलो हेलो। जैकी, जबान वालों के हजार वादे तुम्हारी एक बेजुबानी पर कुर्बान है मेरे दोस्त। इंसानियत का दावा करने वाले आज हैवान हो गए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते लीला देवी जी, मैं हूँ दीवान चमन। आपकी आवाज अशोक से बहुत मिलती है, हमारे दोस्त भी यही कहा करते थे। अशोक अक्सर आपका जिक्र मुझसे किया करते थे, कहा करते थे मैं और चमन दो दिल और एक जान हैं। जी, एक दिल और एक जान कहिए। अजीब बात है, ये कुत्ता तो किसी को मेरे पास भटकने नहीं देता, और आपके पास बिल्कुल चुपचाप बैठा है। कुत्ते को बुरे भले की पहचान होती है। मेरे पति भी यही कहा करते थे। अच्छा, अशोक को मुझसे छीन कर किस्मत ने जो मुझ पर जुल्म किया है, वो आप या और कोई क्या जानेगा। ये तो ठीक कहा आपने, मगर आपकी ये जवानी और रूप गम के आंसू में बह निकले, ये जिंदगी से बेइंसाफी है। चाय तैयार है सरकार? चलिए।
मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि आप भी मेरे हमख्याल हैं। आप ठीक कहते हैं, आखिर मुझे भी तो अपनी जिंदगी पर कोई हक है। क्यों नहीं, जब तक आप बीवी थीं, आपने अपने पति से वफा की, अब आप खुद मुख्तियार हैं तो अपनी जिंदगी से वफा कीजिए। मगर सोसाइटी ये पसंद ना करेगी, मैं अकेली औरत सोसाइटी से कैसे टक्कर ले सकती हूँ? इसके लिए आपको एक बहौसला साथी की जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? भला आपका साथ कौन ना देगा। आपसे मिलिए, आप हैं दीवान चमन। हाँ, दीवान चमन। जिन्होंने अशोक की यादगार के लिए 25,000 रुपया दिया है। और आप हैं मिस्टर मोहन, अशोक के बहुत अजीज दोस्त। अशोक के बाद इन्हीं के सहारे तो जीती हूँ। क्यों नहीं, आप जैसे दोस्तों ही से तो दुनिया वफा का सबक सीखती है। आपकी तारीफ ने मेरा दिल बढ़ा दिया। आप शायद बिजनेस करते हैं? जी हाँ, सट्टे का कारोबार है अपना। दांव पड़ गया तो तख्त, नहीं तो तख्ता। मगर अभी तक आपकी दया से नुकसान एक पाई का नहीं हुआ। हाँ साहब, तजर्बे की बात है। आजकल चांदी का भाव बहुत ऊंचा जा रहा है, आप भी खरीद लीजिए ना 150 पेटी। मैंने तो 500 पेटी खरीदी है। 500? हाँ, कहिए तो मैं आपके लिए भी टेलीफोन कर दूँ। जरूर कर दीजिए। दीवान साहब कितने अच्छे आदमी, काश मैं आपको कहीं पहले देख पाता। यही तो मुझे भी अफसोस है, काश मैं आपको पहले देख पाता। अरे हाँ लीला, मैं तो ये कहने आया था कि नकाब पोशाई की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों, मैं जज अशोक को इतनी अच्छी तरह जानता हूँ जितना कि मैं अपने आप को जानता हूँ। दोस्त के लिए उसके दिल में कितनी मोहब्बत थी और बीवी के लिए कितना प्रेम और विश्वास था। मगर एक अच्छे दोस्त या पति से ज़्यादा वो एक इंसाफ पसंद जज था। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो जिस दुनिया में भी है उसका ध्यान आप ही की तरफ है। आप लोग उसके लिए जो कुछ कर रहे हैं वो उसकी नज़रों से छुपा नहीं रह सकता। ऐसी हस्ती का मरकर भी इंसाफ के लिए फिर से जन्म लेना कोई अचंभे की बात ना हो। ये बुत बनवा कर आपने पति प्रेम की एक जिंदा मिसाल कायम कर दी है। मगर पत्थर के बेजान बुत के सहारे जवानी के दिन गुजारना मुश्किल हो जाया करते हैं। आप दिन रात अपनी खूबसूरत आंखों को क्यों छुपाए रखते हैं? लीला देवी जी, इन आंखों ने दुनिया के वो तमाशे देखे हैं कि अब इन्होंने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया है। ये सब क्या पहेलियां हैं? आप नहीं समझ सकेंगे लीला देवी जी। मैं नहीं समझ सकूंगी? चमन, तो कौन? एक प्रेमी। किसका? एक सुंदरी का। कौन है वो? एक मन की रानी। समझ गई। बताओ तो नाम। नहीं बताते। ओह, कितना खूबसूरत है जी। यूं कहिए, आपके गले से लगकर खूबसूरत हो गया है। कितने का होगा? यही कोई 20,000 का। 20,000? हाय हाय जी, ये तो कुछ भी नहीं, आपकी खुशी के लिए आसमान से तारे भी तोड़कर लाए जा सकते हैं। औरत का दिल जीतना तो कोई आपसे सीखे। सुनिए, आप कुछ दिनों के लिए मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं आपको इस रंजो गम की दुनिया से निकाल ले जाना चाहता हूँ। जी तो मेरा भी यही चाहता है, मगर मोहन। मोहन? मोहन को इसमें क्या एतराज हो सकता है? यूं ही अशोक का दोस्त है ना, इसलिए।
मैं भी तो अशोक का दोस्त हूँ, और यकीन कीजिए जितना मैं अशोक के नजदीक था उतना और कोई नहीं हो सकता। ये टाई बाहर निकाल लीजिए, मुझे ऐसे अच्छी लगती है। लीला, दीवान साहब, आपका तो हाथ चूमने को जी चाहता है। 50,000 का नफा हुआ है, 50,000 का लीला। थैंक यू मिस्टर चमन, थैंक यू। हाजी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो एक मामूली बात थी। इस वक्त तो आप जितना लगाएंगे उतना ही पाएंगे। मैंने कौड़ी कौड़ी लगा दी है, आप भी लगा दीजिए, करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति हो जाऊंगा, मैं भी अपना सब कुछ लगा दूंगा। मोहन बाबू, मैं कुछ दिनों के लिए लीला देवी जी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, जरा इनकी तबीयत बहल जाएगी। जरूर जरूर ले जाइए, बड़ा अच्छा ख्याल है। मुझे अगर ये कारोबार का झगड़ा ना होता तो मैं भी चलता आपके साथ। एक दिन तो आपको आना ही पड़ेगा मोहन बाबू। मैं जरूर आऊंगा। आहा, अफसाना नाम तो बड़ा अच्छा रखा है चमन बाबू ने अपने ड्रामे का, लेकिन इसमें मेरे लिए तो कोई पार्ट ही नहीं, पूछो क्यों। तो तुम भी चुन लो ना कोई पार्ट अपने लिए। अजी ऐसा ड्रामा भी किस काम का जिसमें पूछो क्यों का लफ्ज एक बार भी ना आए। भला बताइए तो सही, पूछो क्यों के बगैर ड्रामा खेलने का मजा आए। और मीरा देवी, पूछो क्यों तो ऐसा लफ्ज है जो हर जगह फिट बैठता है। देखिए मैं बताता हूँ, हीरोइन, हीरोइन अपने हीरो से नहायत नखरे के, मेरा मतलब है नहायत नखरे के साथ पूछती है, क्यों जी तुम मुझे क्यों प्रेम करते हो, तो हीरो को क्या जवाब देना चाहिए। पूछो क्यों, पूछो क्यों। अब देखिए जब विलन हीरोइन को उठा के ले जाए तो कॉमेडियन को अपनी माँ, मेरा मतलब है कॉमेडियन को अपनी बीवी से क्या कहना चाहिए। पूछो क्यों, पूछो क्यों, देख लिया आपने। पूछो क्यों ऐसा लफ्ज है कि इसके बगैर ना तो शेक्सपियर के ड्रामे पास हुए ना कालिदास के, अब भला चमन बाबू का ड्रामा कैसे पास होगा। पूछो क्यों। मीरा, ये है लीला देवी। और आप हैं मीरा देवी, हमारे पड़ोस में रहती। आपका पड़ोस तो बड़ा दिलचस्प है। आइए। Thank you.
मुझे उस दिन एकदम जाना पड़ा, तुमसे मिल भी न सका। मैंने आपसे गिला तो नहीं किया, मगर मुझे चाहिए था तुमको इत्तला करके जाता। आपको लीला देवी बुला रही हैं? हाँ, उन्हीं के बारे में मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो ड्रामा मैंने लीला देवी को दिखाने के लिए ही लिखा था। तैयार करवा दिया तुमने? जी हाँ, लीला देवी जब हुक्म देंगी पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, तो फिर मिलूंगा। मैं दीवान चमन बोल रहा हूँ। चांदी का क्या भाव है? मंदी पर है। ठीक है, आप मेरी सब पेटियाँ बेच डालिए। हाँ हाँ, सब बेच डालिए फौरन। हाँ, बाजार बैठ जाएगा तो क्या हुआ? मैं जो कहता हूँ कीजिए, मैं चाहता हूँ कि बाजार बैठ जाए। सब तबाह हो जाएंगे, मुझे भी नुकसान होगा, कोई हर्ज नहीं। आप बेच डालिए। अजी, मैंने तो अब बिजनेस छोड़कर सट्टा शुरू कर दिया है। दाव पड़ गया तो तख्त, नहीं तो तख्ता। मगर आपकी दया से अभी तक नुकसान नहीं हुआ। 20,000 लगाया था, 50,000 कमाया है। अब कौड़ी कौड़ी लगा दी है, बस शाम तक सेठ मोहनलाल करोड़पति हो जाएंगे, करोड़पति। हाँ सेठ मोहनलाल, क्या भाव है? मार्केट बैठ गई? क्या कहते हो जी, सब तबाह हो गए? दीवान चमन ने बेचना शुरू कर दिया? मगर दीवान चमन, मैं तबाह हो गया, तबाह हो गया। दीवान चमन ने बेच दिया। डबल 256 डेली, अर्जेंट। यस, मैं हूं लीला। लीला, कहां है वो बदमाश चमन? क्यों, क्या हुआ मोहन? क्या हुआ, मुझे तबाह कर दिया है उस बदमाश ने, बिल्कुल बर्बाद कर डाला मुझे। मैं कंगाल हो गया हूं लीला, उस बदमाश ने मुझसे धोखा किया। एक तो सट्टे में मुझे बर्बाद करवा दिया, दूसरे तुम्हें मुझसे ले गया। मुझे ले गया? तो कौन सी तुम्हारी चीज थी? बेहया, यही है तेरी वफा? वफा? तुम मुझे वफा का सबक दे रहे हो, जिसने सारी उम्र बेवफाई के सिवा कुछ किया ही नहीं। जख्मों पर नमक न छड़को लीला, वरना मेरा खून तुम्हारे सर होगा, मैं मर जाऊंगा। शौक से मैं तुम्हारा भी बुत बनवा दूंगी। काश मैं तुम्हारा ये रूप पहले पहचान पाता। हाँ।
हमेशा यही समझता रहा कि मैं उससे मोहब्बत करती थी। मगर मैं तो सुनिए, आज थिएटर नहीं चलना। नहीं लीला, तुम जाओ, आज मुझे एक खास काम है। आइए मोहन बाबू, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा था ना, एक दिन आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। मुझे बर्बाद करके हंसते हो, मगर कितनी देर? अब और नहीं हंस सकोगे, बेईमान, बददयानत, बेशरम, बेवफा। दोस्त कहकर दगा देते हो, गले लगकर गला काटते हो। चोर उचक्के मुझे तबाह करके मेरी महबूबा को उड़ा लाया, मगर तूने अभी असली मोहन को पहचाना नहीं। तुमने भी तो मुझे नहीं पहचाना मोहन, मैंने तो तुम्हारी महबूबा ही उड़ाई और तुमने मेरी बीवी। बंद करो ये बकवास। अशोक। हाँ अशोक, बेईमान, बददयानत, बेवफा, बेशरम, दोस्त कहकर दगा देने वाला, गले लगकर गला काटने वाला, और तुम ईमानदार, दयानतदार और वफादार। दोस्ती के नाम पर कलंक, मारने आए थे तो मारते क्यों नहीं? नहीं 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 अशोक, तुम बेवफा भी हो और बुजदिल भी। निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे माफ कर दो अशोक, मुझसे वो गुनाह हुआ जो कभी किसी इंसान से नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी इंसानियत के नाम पर एक बदनामा दाग, इस दाग को मिटा डालो अशोक। मेरी मौत ही मेरे गुनाहों की सजा हो सकती है। तुम्हें सजा देना भी इंसाफ से बेइंसाफी। जाओ, तुम्हें माफ किया, कर तुम मेरे दोस्त है, तुम्हारा गुनाह ही तुम्हारी सजा है। इंसाफ करना भी कितना मुश्किल है भगवान, मैं इसका इंसाफ तुम पर छोड़ता हूं। मीरा, तुम यहां? तुम इस जगह से इतना उंस क्यों है मीरा? बचपन के सुहाने दिन यहीं बीते हैं, अब यहां आकर उनके सपने देखा करती हूं। मगर वो कौन है तुम्हारे सपनों का राजा? है कोई तुम्हारी तरह सब कुछ भूल जाने वाला, जिसके साथ मिलकर ही घर बसाया था, अब तो उसकी उजड़ी हुई याद ही बाकी रह गई है। क्या तुम्हें छोड़कर चला गया? नहीं, उसे कुदरत के तूफान ने बचपन में मुझसे जुदा कर दिया। फिर लौट कर नहीं आया? नसीब का एक खुशनुमा झोंका,
उसे वापस जरूर लाया, मगर मैं उसे न पा सकी। क्यों? मंजिल के करीब पहुंचकर कभी कभी मंजिल बहुत दूर हो जाया करती है। थके हुए मुसाफिर की तरह हिम्मत न हारो मीरा, इंसान कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। मैं मगर अफसोस तो इस बात का है कि बचपन की याद के साथ साथ वो जवानी का प्रेम भी किसी दूसरे के हवाले कर चुका है। बड़ा बेदर्द है वो। बड़े बेदर्द हैं आप? मैं आपको जगह जगह ढूंढ रही और आप यहाँ खड़े हैं। थिएटर का वक्त हो रहा है, चलिएगा? नहीं, थिएटर मीरा देवी आप भी आइए ना, थिएटर तो आपको भी जाना है। हाँ लीला देवी जी, हाजिर हो जाऊंगी। हाजरीन, आज इस थिएटर का नया डांस ड्रामा अफसाना, जिसे थिएटर के मालिक ने खुद लिखा है, पेश किया जाएगा। लेखक का दावा है कि ये अफसाना एक बिल्कुल सच्चे अफसाने का नक्शा है। उम्मीद है आप इसे पसंद फरमाएंगे। Thank you.
चमन? नहीं, रतन, तुम्हारा रतन, बचपन का बिछड़ा हुआ साथी। रतन। मीरा। रतन, मेरा रतन, तुम्हें याद आ गया रतन, तुम्हें याद आ गया। मेले पर ले जाने की तरकीब अच्छी थी। तो तुम्हें वहीं याद आ गया था ना, मगर तुमने तो कहा था कि मैं रतन नहीं हूँ। मैं मजबूर था मीरा। ओ रतन, तुमने अपनी मीरा को पहचान लिया, तुम मिल गए, मेरी दुनिया मिल गई। अभी नहीं मीरा, अभी नहीं। अब क्या, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। ओ लीला। हाँ लीला, लीला मेरी बीवी है। बीवी? ये अफसाना मेरी ही जिंदगी का अफसाना था, अब भी नहीं समझी? समझी, इसीलिए तुमने ये ड्रामा लीला को दिखाने के लिए खेला था। तो अब? अब मुझे इंसाफ का पालन करना होगा। ये गोलियां सच और झूठ का फैसला करेंगी, एक में जहर है और एक खाली, एक वो खाएगी, दूसरी मैं। इंसाफ ईश्वर करेगा। जिंदा रहा तो तुम्हारा रतन लौट आएगा, वरना। नहीं रतन, नहीं, अब मैं तुम्हें न जाने दूंगी। मैंने बहुत इंतजार किया है, मुझसे भी तो इंसाफ करो, भूल जाओ उस पिछली जिंदगी को, भूल जाओ। कैसे भूल जाओ मीरा, पति पत्नी की खता माफ कर सकता है, मगर जज एक मुजरिम की खता कैसे माफ कर दे? इंसाफ तो होना ही चाहिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, दुनिया के लिए। न जाओ रतन, हम इस समाज से दूर कहीं अपनी दुनिया बसा लेंगे। हमें क्या लेना है इस दुनिया से? हमें इस दुनिया से कुछ नहीं लेना, मगर इस दुनिया को तो हमसे कुछ लेना है। इंसाफ का चक्कर तो चलना ही चाहिए। मुझे अपना फर्ज पूरा करने की इजाजत दो मीरा, खुशी से इजाजत दो। तुम्हारी यही खुशी है तो जाओ रतन, आज तक राह देखी है और भी देख लूंगी। अशोक, तुमने देर क्यों कर दी? तुमने पहचान लिया, ये भी अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। ड्रामा अच्छा लिखते हो। पसंद आया आपको? बहुत बहुत पसंद आया। जैसा आप मुजरिम को सजा दीजिए। सजा देने वाला मैं कौन? हमारा फैसला तो भगवान ही करेगा। ये दो गोलियां हैं, एक में जहर है और एक खाली, एक तुम खाओ, दूसरी मैं खाता हूं, इंसाफ ईश्वर करेगा। मगर तुम क्यों खाते हो? बीवी से रायत करते हो, ये कहां का इंसाफ है? जैसा इस वक्त मैं जज नहीं, फरियादी हूं भगवान की अदालत में, आज इंसाफ वही करेगा। Thank you.
तुमने क्या किया? तुमने ऐसा क्यों किया लीला? मुझे यही करना चाहिए था। इससे बहुत पहले मैंने तो पहले ही लीला तुमने अब बोलो मत अशोक, मुझे दो लफ्ज कह लेने दो। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, मेरा गुनाह तुम्हारी माफी से नहीं धुल सकेगा। माफी तो मुझे अपने देश की उन देवियों से मांगनी होगी जिनके पति प्रेम की ज्योत से हमारे देश के लाखों घर रोशन है। इस ज्योत को बुझाकर जो धब्बा मैंने उनके नाम पर लगाया, इसका प्रायश्चित तो मेरी मौत से भी नहीं हो सकता। न जाने मेरी तरह कितनी अभागनी स्त्री ऐसी है जो जिंदगी की चमक और सोने चांदी की झंकार में खोकर अपने पति प्रेम को ठुकराते हुए पाप का जीवन बिता रही। अगर मेरा ये दर्दनाक अंजाम किसी एक भी बहन को उसकी खोई हुई मंजिल फिर से दिखा दे तो मैं समझूंगी कि मेरी मौत ने ही मेरी बेकार जिंदगी की कीमत अदा कर दी। तुम इंसान नहीं देवता हो अशोक, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ इतनी नीच होते हुए भी अपने देवता के चरणों में प्राण दे रही हूँ। अगर हो सके तो क्षमा कर देना नाथ। मैं इसे भगवान का इंसाफ समझूं या इंसान का इंतकाम? नेकी का नतीजा नेकी है, अंजाम बुराई का है बुरा। कानून यही है कुदरत का, कोई कुछ भी करे क्या होता है। कानून यही है कुदरत का,